नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड नामांकन 2022 के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आप सभी को नामांकन के संबंध में पूरी प्रक्रिया बताएंगे। इसके अलावा किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ मार्क्स जा रहा है, कितना कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स जा रहा है, वो चीज़ें हम आप सभी को एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उस कैटेगरी में न्यूनतम कितना अंक आप लाएंगे तो पास माने जाएंगे। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, कम से कम आप सभी को पास नंबर लाना ही होगा, तभी आपका प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखेंगे तो मैं आप सभी को यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आप सभी को कट ऑफ के संबंध में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बिहार बोर्ड द्वारा रैंक कार्ड जारी किया जाएगा, रिजल्ट कार्ड आएगा ही, उसके बाद रैंक कार्ड भी आएगा। रैंक कार्ड आने के बाद आप सभी को ये पता चलेगा कि आपके कैटेगरी से आपका कितना रैंक बनता है और जनरल कैटेगरी से आपका रैंक कितना बनता है। उससे आपका ये क्लियर होगा कि आपका जिस कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी में कितना सीट है और उस कैटेगरी में आप कितने नंबर पर हैं, आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम आप सभी को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं जो कि कह सकते हैं कि ये फाइनल कट ऑफ रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए साथी या नए मेहमान हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन होगा वो जो है आपका इसी एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। और आपको ध्यान में रखना है कि कम से कम पास नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो पास नंबर क्या है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको न्यूनतम जो है न्यूनतम पास मार्क्स आपको 35% लाना है। कितना लाना है दोस्तों, 35% आपको न्यूनतम अंक लाना है। 450 नंबर का परीक्षा हुआ था, 450 का 35% अगर आप निकालेंगे, 450 का 35% आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 157.5 अंक मिलेगा। यानी कि 157.5 अंक अगर आप लाते हैं, कह सकते हैं इससे ज़्यादा 58 नंबर लाते हैं, 158, तभी आप पास माने जाएंगे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट। ये न्यूनतम पास अंक है, तभी आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा ये जितने भी कैटेगरी हैं बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएस या डब्ल्यूबीसी, जितने भी कैटेगरी हैं मतलब जनरल को छोड़कर, इन सभी को कम से कम जो है न्यूनतम कितना अंक लाना होगा, इन सभी को जो है न्यूनतम जो है यहाँ पर 30% नंबर लाना होगा। कितना दोस्तों, 30% नंबर लाना होगा। आपको पता है कि 450 नंबर का परीक्षा हुआ था तो 450 का 30% आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 135। यानी कि आपको 135 अंक लाने होंगे तभी आप पास माने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि मेरा 110 आया, 109 आया, 100 अंक आया है, क्या हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। भाई आप कम से कम पास तो कीजिए, तभी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो काफ़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास नंबर भी नहीं ला पाए हैं। यही वजह है कि कट ऑफ इस बार जो है इससे भी कम जाएगा। ये पहले राउंड का हम कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सभी इसको समझिए, यहाँ पर हम लिखे हैं कैटेगरी और 10 मार्क्स आपने कितना अंक प्राप्त किया है और परसेंटेज में आप कितना अंक प्राप्त किए हैं, और पहले राउंड में काउंसलिंग में, पहले राउंड के काउंसलिंग में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाना है तो इतना नंबर आपका जो है होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छा अंक भी प्राप्त किए हैं, और जो नए स्टूडेंट थे हम आपको पहले ही बताए थे कि नए स्टूडेंट क्या करेंगे, कम संख्या में बनाएंगे या ज़्यादा संख्या में भी बनाते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग ज़्यादा लेंगे। उसको ये लगता है कि एक सही प्रश्न बनेगा तो 3 अंक मिलेगा और 2 गलत बनेगा तो 2 अंक कटेगा, फिर भी एक मेरा सही होता है, मतलब एक अंक हमको एक्स्ट्रा मिलता है, इस चक्कर में 150 को रंग देते हैं। लेकिन दोस्तों ये काम आपको कभी भी नहीं करना है। जब अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हो रही हो तो कभी भी आपको सबका सब टिक नहीं करना चाहिए, निगेटिव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब होगा
तो ऐसे स्टूडेंट का अंक अधिक रहने पर भी बहुत नीचे रैंक जाएगा, क्यों? नॉर्मलाइजेशन के वजह से। अब यहाँ पर समझिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपने प्रवेश परीक्षा में 450 अंकों में से 280 अंक प्राप्त किए हैं, तो निश्चित रूप से आप 62.22% अंक प्राप्त किए, मतलब 62%। अगर आप 62% अंक प्राप्त किए हैं या इसके आसपास या इससे अधिक, तो जनरल कैटेगरी से पहले राउंड में आराम से गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, आराम से अलॉट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आप बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, यहाँ पर हम मेल फीमेल अलग अलग नहीं कर रहे हैं, तो फीमेल का जब भी होगा तो इससे कम ही रहेगा, मेल का जब भी कट ऑफ की बात करेंगे तो वो थोड़ा अधिक ही रहेगा फीमेल के मुकाबले, ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बीसी कैटेगरी की बात करें, अगर आप 450 अंकों में से 265 अंक लाते हैं, यानी कि 58.88% लाते हैं या इसके आसपास लाते हैं या इससे ज़्यादा लाते हैं, तो आपको आराम से जो है पहले राउंड में इतना नंबर पर बीसी कैटेगरी से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा या थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, तब क्या होगा कि इससे कम भी जा सकता है, हो सकता है कि 265 के जगह 250 चला जाए, 220 चला जाए, 210 चला जाए। ये जो है डिपेंड करेगा कि पहले राउंड में कितना सीटें खाली बची है और कितना संख्या में स्टूडेंट बचा हुआ है, उस आधार पर जो है यहाँ पर जो है रैंक बाद में कट ऑफ जो है डाउन होगा। तो पहले राउंड का हम यहाँ पर आप सभी को बता दिए, ईवीसी कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो 250 नंबर 450 में से लाना होगा, और यानी कि 55% या इसके आसपास या इससे अधिक लाते हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पहले जब हम आप सभी को बताया कि भाई ईबीसी का 55% कट ऑफ जाएगा, 50% कट ऑफ जाएगा, तो क्या बोले कि सर आप इतना जो कम कट ऑफ बता रहे हैं भसिया तो नहीं गए हैं? कहां से दोस्तों, ये निगेटिव मार्किंग की वजह से है, जितना आप पॉजिटिव सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है, बिल्कुल बदल गया है। तो ये निगेटिव मार्किंग की वजह से जो है 150 क्वेश्चन बना लिए, 75 क्वेश्चन गलत हुआ, 75 क्वेश्चन सही हुआ, आपको कितना अंक मिलेगा? दोगुना मात्र अंक मिलेगा, यानी कि 150 अंक ही मिलेगा, मतलब केवल और केवल समझे तो पास अंक मिला है, ठीक है? तो इसलिए जो है इतना कट ऑफ कम जा रहा है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आप 450 में से 235 लाते हैं, यानी कि 52% लाते हैं या इससे अधिक लाते हैं, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। इसके बाद एससी की बात करें तो 210 या 220 या इससे अधिक लाते हैं, यानी कि 45%, 47%, 48%, 49% या इससे अधिक, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में अलॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एससी जो है इसमें जो है 16% सीटें आरक्षित है, आपको पता है सबसे ज़्यादा ईबीसी में 18% है, इसमें पढ़ने वालों अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, लेकिन एससी में क्या है, संख्या तो अधिक है लेकिन पढ़ने वालों की संख्या कम होती है, इसकी वजह से क्या होता है इसमें सीट ज़्यादा होता है, तो कम अंक पर भी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो ये बात है, तो इसका जो है कट ऑफ कम रहेगा, 210 से भी कम जा सकता है, 210 से भी कम जा सकता है इसका, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं एसटी का, तो एसटी का जो है मात्र 1% सीट आरक्षित है, अगर 100 सीट है किसी कॉलेज में तो मात्र एक सीट एसटी कैटेगरी के लिए होगा। इस पर जो है थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, इसमें भी पढ़ने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन कहें तो उतना कम नहीं कि कोई अगर स्टूडेंट है तो वो बहुत ही कमज़ोर ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो है 1% जो सीट होता है, इस वजह से जो है इसमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, इसका कट ऑफ जो है एससी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके बाद बात करें हैंडीकैप का, दिव्यांग का, तो इस अगर आप जो है 450 में से 185 अंक लाते हैं या 42% से ज़्यादा अंक लाते हैं, तो आपको आराम से जो है प्रथम राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से अलॉट हो जाएगा। अब सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में इससे भी कम कट ऑफ जाएगा, उस पर हम आप सभी को अलग से वीडियो बना कर देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कट ऑफ, ये आपके द्वारा किए गए कमेंट के अनुसार और रात भर जो हमने बहुत सारे उत्तर कुंजी चेक किए हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है 100 बनाया है तो 50 सही हो रहा, आधा से अधिक गलत हो रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर कट ऑफ कम जा रहा है। और दूसरी बात ये
कि बोर्ड के द्वारा उत्तर भी गलत लिया गया। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका आपने सही उत्तर लिया लेकिन बोर्ड ने गलत उत्तर लिया है, तो इस पर आप सभी को ऑब्जेक्शन करना है, आपत्ति दर्ज करना है। आपत्ति कैसे दर्ज करना है इस पर हम पीछे वीडियो बनाए हुए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हैंडीकैप के लिए जो है यहाँ पर बात करें तो 5% सीटें आरक्षित है, WBC के लिए 3% सीटें आरक्षित है, तो ये महिला के लिए हुआ, तो महिला का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे अभी। तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद हम मेरा क्या प्रक्रिया रहेगा। दोस्तों इसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको ये दिखाएगा कि आपको कितना अंक मिला है, ठीक है। उसके बाद उसी पर आपको रैंक कार्ड मिलेगा, रैंक कार्ड से आपको ये पता चलेगा कि मेरे कैटेगरी में हम कितने नंबर पे हैं और ऑल ओवर स्टूडेंट में जनरल में हम कितने नंबर पे हैं, ये चीज़ें आपको पता चलेगा। और जब रिजल्ट कार्ड रैंक कार्ड आएगा तो आपको ये कन्फर्म पता चल जाएगा कि हमको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें आपको पता चलेगा। कैसे चलेगा पता, उसे अब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा, इसमें हम आप सभी को और चीज़ें भी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों इतना डिटेल से वीडियो आप सभी को और भी कहीं नहीं मिलेगा। टोटल सीट की बात करें दोस्तों तो टोटल सीटों की संख्या 30,700 है, और यहाँ पर टोटल कॉलेज की बात करें तो 306 कॉलेज है। कितना कॉलेज है दोस्तों, 306 कॉलेज है। 306 कॉलेज में से 59 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यहाँ पर 247 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है 59, इसमें 9000 के आसपास सीट है या 9100 के आसपास सीट है, और प्राइवेट कॉलेज जो है 247, इसमें जो है 21,700 सीट है या 21,600 के आसपास सीट है। ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम आप सभी को एक कैटेगरी लेकर के चलते हैं। जनरल में जो है 40% सीटें आरक्षित है, BC में जो है यहाँ पर 12% सीटें आरक्षित है, EBC की बात करें तो 18% सीटें आरक्षित है, EWS की बात करें तो 10% सीटें आरक्षित है, SC की बात करें तो यहाँ पर जो है 16% सीटें आरक्षित है, ST की बात करें तो 1% सीटें आरक्षित है, हैंडीकैप की बात करें तो 5% सीटें आरक्षित है, WBC की बात करें तो 3% सीटें आरक्षित है। ये चीज़ें आप सभी को भी पता है। अब इससे मतलब क्या निकलता है उसे आप एक बार जरूर समझिए। अगर मान लेते हैं कि टोटल जो है सीटों की संख्या कितना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आपको हम बता दिए कि 9000 है। कितना है दोस्तों, 9000 है। अब EWS कैटेगरी के एक अभ्यर्थी हैं, मैं EWS कैटेगरी का स्टूडेंट हूं, और जो है यहां पर अगर EWS की बात करें तो कितना सीटें हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, तो टोटल सीट का 10%, यानी कि 900 सीटें हो जाएगा, ठीक है। 900 सीटें कितना है, मतलब कि EWS कैटेगरी में 900 सीटें हैं। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 900 रैंक आता है, सॉरी यहाँ पर जो है कैटेगरी में, अगर आपका कैटेगरी में 900 रैंक आता है तो आप ये कन्फर्म रहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मिलना है। लेकिन 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 ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज च्वाइस पर भी। अब कैसे, मान लीजिए कि आपका रैंक 900 है, ठीक है, आपको पूरा चांस है कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन कभी क्या होता है कि हम उस कॉलेज को चॉइस, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए अलॉट नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में हम क्या करते हैं, उस कॉलेज को चॉइस करके रखते हैं जहां पर पहले सीट फुल हो गया, और जहां पर सीट खाली है उस कॉलेज को हमने चॉइस किया ही नहीं। ऐसे में क्या होगा, आपका कितना भी रैंक रहेगा तो भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आपका रैंक कितना है और आपने कॉलेज च्वाइस किस तरीके से किया है, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। अब आगे समझिए, अगर मान लीजिए कि मेरा रैंक जो है यहाँ पर जो है 1500 है कैटेगरी में, ठीक है, और जनरल में कितना सीटें हो जाएगा, 9000 का 40% निकालेगा तो 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3600 हो जाएगा। और मेरा जो है जनरल कैटेगरी में कितना रैंक है, मेरा जनरल कैटेगरी में मान लेते हैं 5000 रैंक है, जनरल में मेरा 5000 रैंक है और कैटेगरी में मेरा 1500 रैंक है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमको न चांस है कि कैटेगरी से हो जाएगा, न चांस है कि
जनरल से हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन हो सकता है, कैसे हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट का रैंक अच्छा है उन्होंने कॉलेज चॉइस गलत तरीके से किया है, तो वो स्टूडेंट छंटते जाएंगे और जो नीचे का स्टूडेंट होगा उसको जो है मौका थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको चांस ज़्यादा होगा कि उसको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हम कॉलेज चॉइस भी आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से बताएंगे कैसे करना है, पूरी वीडियो आप सभी देखेंगे तो आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये चीज़ें आप समझ गए, अगर आपका जो है मान लीजिए कि यहाँ पर 900 या 1000 के आसपास रैंक है तो 100% है कि आपको कैटेगरी से ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर 3600 टोटल जनरल में सीट है, अगर आपका 4000 भी रैंक है जनरल में, 4000 भी रैंक है तो भी आपको चांस है कि जनरल से भी कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपसे ऊपर हैं, आपसे ऊपर हैं लेकिन वो जनरल से ले लिए एडमिशन या जनरल से कॉलेज अलॉट हो गया। हो सकता है कि जो आपके कैटेगरी का स्टूडेंट है वो क्या किया, जनरल से कॉलेज अलॉट हो गया, वो एडमिशन ले लिया, तो नीचे वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आप जनरल से लेना चाहते हैं या जनरल से आपको अलॉट होता है, हो सकता है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है वो अपने कैटेगरी से एडमिशन ले लिए हो, मतलब वो कॉलेज अलॉट तो करेगा बोर्ड ही, लेकिन वो कैटेगरी से करेगा या फिर जनरल से करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आपके रैंक के आधार पर, ठीक है। तो नीचे वाले स्टूडेंट को ऐसे ही मौका मिलने का चांस बढ़ेगा, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा रैंक है तो 100% मिलेगा, खराब रैंक है तो 100% है कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप कतई नहीं कह सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो हमने बताने की कोशिश किया है वो समझ में आ गया होगा। आप सभी का 5 मिनट और समय लेंगे, 5 मिनट में हम आप सभी को ये बताएंगे कि अब जो है नामांकन की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे एडमिशन होगा, कैसे काउंसलिंग होगा, अब जो है कैसे कॉलेज च्वाइस होगा, वो चीज़ें आप समझ लीजिए। दोस्तों अभी जो है आप सभी का अब रिजल्ट आने वाला है, इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। रिजल्ट आएगा उसके बाद आप सभी का रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड आएगा, ठीक है। रैंक कार्ड में आपको CML रैंक मिलेगा, कैटेगरी से रैंक मिलेगा, ठीक है, या कहे तो कॉम्बाइन मारिट लिस्ट जो आपका जनरल वाला रैंक होता है, एक होगा कैटेगरी रैंक मिलेगा। इसके बाद जब रैंक कार्ड आता है तो आप सभी को कॉलेज च्वाइस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा और इसी के साथ साथ आपको कॉलेज च्वाइस भी करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, कॉलेज च्वाइस करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हो सकता है आपको शुल्क भुगतान करना पड़े, जैसे बिहार बीएड में एडमिशन के लिए क्या होता है, काउंसलिंग में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसका शुल्क जो है 700 रुपया या फिर 500 रुपया रखा जाता है, मतलब जितना आवेदन करते समय लगा है उतना ही रुपया रजिस्ट्रेशन करते समय ले रहा था, तो हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज लगे, क्योंकि काउंसलिंग में भाग लेना है आपको, तो वो भी प्रक्रिया में अगर शामिल होते हैं तभी आपका एडमिशन होगा, तो निश्चित रूप से आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है। उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको मौका मिलेगा कॉलेज च्वाइस करने का। आप कॉलेज च्वाइस करेंगे किसके आधार पर, अपने रैंक के आधार पर। उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होगा कॉलेज अलॉट होगा, क्या होगा दोस्तों, कॉलेज अलॉट होगा, आपका जो है कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज जैसे ही जो है अलॉट होता है उसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको काउंसलिंग में जाना होगा, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, डायरेक्ट आपको मान लीजिए कोई कॉलेज जो है सिवान अलॉट हो गया, तो उस कॉलेज में आपको जाना होगा, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है बाद में हो सकता है कि रिसिप्ट मिलेगा, रिसिप्ट मिलने के बाद जो है वो कॉलेज में जमा करेंगे, काउंसलिंग के साथ साथ ही जो आपका डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा उसी के साथ साथ आप रिसिप्ट भी जमा करेंगे, तो वो चीज़ें होगा। हो सकता है आपको यहाँ पर कॉलेज च्वाइस होने के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है तो कन्फर्म करने के लिए भी आप हो सकता है आंशिक शुल्क का भुगतान करना पड़े, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होगा, मान लीजिए कोई कॉलेज अलॉट हो गया स्टूडेंट को, ठीक है, कोई कॉलेज अलॉट हो गया, वो क्या क्या एडमिशन नहीं लिया, कहा कि हम अगले राउंड में एडमिशन लेंगे, हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसे में क्या होगा कि सब स्टूडेंट अगर ऐसा ही करना लगे या फिर के प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो गया बोलेगा कि हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, मैक्सिमम संख्या में ऐसा स्टूडेंट होगा जो यही तरीका अपनाएगा, अगले राउंड का इंतज़ार करेंगे।
पता चलेगा कि फर्स्ट राउंड में ही बाकी सीटें खाली रह गई सेकेंड राउंड के लिए, और थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड, मतलब कि 10 राउंड 12 राउंड चलते रह रहा है कि एक साल लग गया एडमिशन में ही। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कर सकता है कि आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसी में एडमिशन आपको लेना ही पड़ेगा, और कॉलेज को कन्फर्म करने के लिए आपको कुछ आंशिक शुल्क भुगतान करना पड़ सकता है, ताकि आपका बोर्ड के प्रति ट्रस्ट हो जाए कि ये स्टूडेंट जो है इसमें एडमिशन ले लेगा, तो अगले राउंड के लिए बची हुई सीटों पर ही काउंसलिंग करवाएगा या कॉलेज अलॉट करवाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है चलेगी, तो हम आप सभी को आगे भी विस्तार से बताते रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी वीडियो जो है अगर आप देख लिए हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर इसके अलावे भी इस वीडियो में बताई गई जानकारी पर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई आप सभी को ज़रूर मिलेगा वीडियो के माध्यम से, या फिर आपको डायरेक्ट भी समय मिलने पर हम रिप्लाई आप सभी को ज़रूर देंगे। और इतना कीमती समय आप सभी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ आप सभी हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कर दीजिएगा, और क्या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।